हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बिस्किट पुडिंग, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। बिस्किट कैरामल पुडिंग जो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगी। आप लोग तो बहुत तरीके से पुडिंग खाए होंगे, लेकिन आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही आसान और कम समय में बिस्किट पुडिंग कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। पुडिंग बनाने के लिए मैंने एक बोल ली है, इसमें एक अंडे दे दूंगी। इसमें थोड़ी सी नमक और चीनी दे देना है और थोड़ी सी मैं इलायची पाउडर दे दूंगी। और इसमें दे दूंगी बिस्किट और हाफ लीटर दूध। देखिए सारे दे दिए हैं। अभी अच्छी तरह से एक सैंडविच मिक्स कर लेना है। आप लोग ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। सारे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। इसी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सारे अच्छी तरह से मिक्स करके देखिए कितने अच्छी और स्मूथ सा बैटर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक साइड में रख देंगे और इसके लिए कैरामेल बनाऊंगी, कैरामेल बिस्किट पुडिंग बनाऊंगी। इसीलिए तो सबसे पहले मैंने एक तवा चढ़ा दी है, इसमें चीनी दे दिए है। चीनी इसी तरह से गला लेना है और इसी में मैं आज पुडिंग बनाऊंगी। इसमें थोड़ी सी ऑयल देके ब्रश करके रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी पिघल रही है। चीनी की देखिए कलर चेंज हो रही है। ज़्यादा नहीं फ्राई कर लेना है, ये तो ख़राब हो जाएगी। जब इसमें लाल लाल कलर आ जाएगी उसमें, तभी मैं ऑफ़ कर दूंगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कलर चेंज हो रही है फ्रेंड्स। ये देखिए कैरामेल मैंने बना लिए हैं। अब एक बर्तन में साफ़ कर लेना है जिसमें मैं पुडिंग बनाऊंगी। इसमें देखिए कैरामेल दे दिए हैं। थोड़ी सी ठंडा होने के बाद बैटर दे देना है इसमें। देखिए ठंडा हो चुकी है, इसमें अभी बैटर दे दूंगी। देखिए सारे मैंने सेट कर लिए हैं। तो चलिए अभी पुडिंग बनाते हैं। पुडिंग बनाने के लिए देखिए मैंने पैन में पानी लिए है, इसमें दो टिश्यू दे दूंगी और इसमें वो बर्तन बिठा दूंगी और ढक्कन दे के 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही रख दूंगी, लो टू मीडियम। देखिए 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा के दिखाया है, लगभग हो चुकी है। और भी 10-15 मिनट तक ऐसे ही रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पुडिंग हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। अभी ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स,
पुडिंग मैंने ठंडा कर लिए है, अभी एक चाकू से चारों साइड से इस तरह से कर दूंगी और अनफोल्ड कर लेना है। वाओ, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी और सॉफ्ट पुडिंग बनके हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कलर भी बहुत ही बढ़िया ही है। अभी एक चाकू से काट के आप लोगों को दिखाती हूँ। लंबा लंबा करके काट लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स साकू से मैंने काट लिए हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बना के आप लोगों को दिखाए हैं फ्रेंड्स। आप लोग किसी भी वक्त बना सकती है, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। देखिए कितनी स्मूथ और सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए आप लोग भी इस तरह से बना के ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें।